हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पटेटो लॉलीपॉप बनाएंगे। आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 से 6 उबले आलू को एक बड़े बाउल में ग्रेट कर लेंगे। आलू ग्रेट हो चुके हैं, अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कप ब्रेड क्रम्स, दो चम्मच मैदा, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार, और आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर अच्छे से मिला लेंगे। सब कुछ अच्छे से मिल चुका है, अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इसके लिए हाथ में थोड़ा सा तेल लगाएंगे ताकि आलू हाथ में चिपके ना। चलिए बॉल्स बना लेते हैं। इसी तरीके से बाकी बॉल्स बना लेंगे। सारी बॉल्स बन चुकी हैं। अब एक बाउल लेंगे, उसमें आधा कप मैदा, नमक, यहाँ नमक थोड़ा ही डालेंगे, और पानी डालकर घोल बना लेंगे। याद रहे, पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और थोड़ा पतला घोल बना लेंगे। घोल बन चुका है। अब एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स ले लेंगे। अब एक बॉल लेंगे, उसे मैदे के घोल में डिप करेंगे। और ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोटिंग कर देंगे। और प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरीके से बाकी बॉल्स को भी तैयार कर लेंगे।
बॉल्स तैयार हो चुकी हैं। अब इन बॉल्स को 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने पहले ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। अब बॉल्स को इसमें फ्राई कर लेते हैं। बॉल्स गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब इन बॉल्स को प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से बाकी बॉल्स को भी फ्राई कर लेंगे। सारी आलू बॉल्स फ्राई हो गई हैं। अब टूथपिक को इस तरीके से बॉल्स में लगाएंगे। पोटैटो लॉलीपॉप तैयार है। आप इसे टोमेटो केचप या व्योरीज किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो किस रेसिपी की देखना चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।